हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपका ये लेक्चर मींस एमसीक्यू पार्ट है, 1 है। ठीक है, ये आपका हम स्टार्ट करेंगे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट्स डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ये इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी के एम मुंशी। संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है जे एल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर एंड के एम मुंशी। ड्राफ्टिंग कमेटी में हम पहले जानेंगे टोटल जो थे हमारे 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने थे टोटल हमारे? 7 मेंबर्स। इसमें से पूछा है चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन कौन थे हमारे? सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, और 7 मेंबर्स कौन कौन थे से थे हमारे? बी आर अम्बेडकर थे, अलादी अय्यर थे, गोपाल स्वामी थे, के एम मुंशी थे, सेम सदुल्ला थे, बी आर मित्तल थे एंड डी पी खैर थे। तो ये 7 मेंबर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। इसमें से पूछा चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो वो कौन है? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सी बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ए 284, 294, 274 एंड 244। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसमें जो हस्ताक्षर किए थे हमारे वो कितने किए थे? 284। द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। मीन्स देयर वेर 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई, किसने ड्राफ्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, नेक्स्ट है, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष था? ए बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी के एम मुंशी एंड डी जवाहरलाल नेहरू। मीन्स संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट इसमें पूछा है, तो परमानेंट जो चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर और ये जो हमारा के एम मुंशी जो पूछ रहा है, ये कौन थे हमारे? ये के एम मुंशी जो थे हमारे, ये हमारे नहीं थे। ठीक है, तो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो टेम्परेरी चेयरमैन पूछेगा तो सचिनानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ए जे पी कृपलानी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी के एम मुंशी, डी टी टी कृपलानी। तो नॉन कांग्रेस इसमें मेंबर पूछा है, तो इसमें से नॉन कांग्रेस मेंबर कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल ऑफ देम जो थे कांग्रेस के थे एक्सेप्ट बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर असाइन बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 300, 309, 450, 296। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को सौंपा गया? तो कितने सदस्यों को सौंपा गया था? बेसिकली हमारे पास कितने थे? 296 टोटल जो इलेक्टेड मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिलेक्टेड गए थे, 296, जिसमें से कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम 73 थे और अदर्स जो थे 15 थे। तो इसमें से पूछा कैबिनेट मिशन में कितने थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? डी 296। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? ए है 1 साल 10 months and 12 days, बी 2 years 10 months and 5 days, सी 2 years 11 months and 18 days एंड डी 3 years 6 months and 7 days। ए है 1 साल 10 महीने 12 दिन, बी 2 वर्ष 10 महीने और 5 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, डी 3 वर्ष 6 महीने और 7 दिन। मतलब जो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसका ड्यूरेशन हमारा कितना था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18
दिन लगे थे, ठीक कितना था, 11 सेशन हुए थे और टोटल कॉस्ट जो लगी थी हमारे 64 लाख लगी थी, ठीक। तो कितना है, ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा का विचार दिया था, ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फॉर्मूला, सी कैबिनेट मिशन प्लान एंड डी जो है वेपली प्लान। तो कैबिनेट मिशन का जो प्लान जिसमें कहा गया, जो दिया गया, तो ये किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सी है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1946, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो ये दिया गया था वो कब दिया गया था, 1946 में ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली फॉर्मुलेटेड अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। राजा जी फॉर्मूला वॉज फॉर्मुलेटेड बाई सी राजा गोपालचारी टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेड लॉक बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1949 बाई द ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किस किया गया था, ए संविधान सभा, बी भारत की संसद, सी भारत के राष्ट्रपति एंड डी ब्रिटिश संसद। तो किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इनेक्ट किया था 26 जनवरी 1949 को, तो ये किसने किया था, सी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1945 बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड केम इन टू फोर्स 26 जनवरी 1950 में लाया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत संविधान सभा पहली बार कब मिली थी, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 एंड डी 19 नवंबर 1949। ए है जो 26 नवंबर 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 19 नवंबर 1949। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान सभा पहली बार असेंबली कब हुई थी, तो पहली बार जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग जो कही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 10th है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तारीख को पूरा हुआ था, ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949 एंड सी 11 फरवरी 1948 नन ऑफ दी अब। तो इसमें से क्या है कि बी नवंबर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इन्फोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रपोजल ऑफ फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने का प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था, ए साइमन कमीशन, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, सी क्रिप्स मिशन एंड डी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम, क्रिप्स मिशन एंड ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। तो जो प्रपोजल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो किसने ये दिया गया था, तो ये दिया गया था हमारा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा, ठीक है। तो 11th का डी है कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। नेक्स्ट है 12, हु वॉज द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ राइट मॉल्ड ऑफ फेडरलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान को संघवाद के एक सही सीचे में सेट नहीं किया गया है, ए डी डी बासु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी ए के अय्यर। तो ये कहा गया कि संविधान के संघवाद के एक सही सोच से सेट नहीं किया गया, तो सही सोच से जो नहीं सेट किया था वो किसने कहा था, ए के अय्यर वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम द मद्रास। ये भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्होंने क्या ये कहा था। नेक्स्ट, हु वॉज द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में लिखित में से किसने उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया, ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सी डी डॉक्टर सी डी देशमुख।
तो किसने ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया था? तो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को जो आप आगे बढ़ाया था वो जवाहरलाल नेहरू, मूव द ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज ड्राफ्ट संविधान द समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 7, 9, 11 and 13। ठीक है, 7 थे, 9, 11 की 13। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी कितने थे? टोटल 7 थे। नेक्स्ट है द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए सर बी एन रॉय, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बी सर अलियत कृष्णवानी लेयर, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। सी डॉक्टर बी आर यूनियन लॉ मिनिस्टर, एंड डी जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया था? सर बी एन रॉय, संविधान सभा के सलाहकार। बी सर अलादी कृष्ण स्वामी, अध्यक्ष संविधान मसौदा समिति। एंड सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, केंद्रीय कानून मंत्री। डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने द्वारा तैयार किया गया था? एक तैयार किया गया था बी एन रॉय, जो एडवाइज़र थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद थे, डिप्टी चेयरमैन जो थे एस सी मुखर्जी थे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी का। ठीक है।